दोस्तों, ये तो आपने देखा ही होगा कि जब भी कोई साउथ स्टार जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है तो वो हमें बॉलीवुड फिल्मों में भी दिखने लग जाता है। और यहाँ ऐसे ही कुछ हमें देखने को मिला पूजा हेगड़े के साथ भी। ये दोस्तों यहाँ पूजा जो कि बैक टू बैक कई सारी बॉलीवुड फिल्में करती हुई दिखी। हालांकि यहाँ पूजा की लगभग ये सभी बॉलीवुड फिल्में जो कि कुछ खास नहीं रही। और यहाँ तक कि प्रभास के साथ फिल्म राधेश्याम भी पूरी तरीके से डिसअपॉइंट करती हुई दिखी। तो इसमें फिर क्या था इस बीच देखने को मिल रहा है कि यहाँ साउथ की एक बड़ी फिल्म जिससे कि पूजा बाहर होती हुई दिख रही है। जी दोस्तों, यहाँ बॉलीवुड में तो आगे हमें पूजा के नाम ज़्यादा बड़ी फिल्में नहीं दिख रही है, लेकिन वहीं साउथ से पूजा हेगड़े जो कि लेकर आने जा रही थी एक बड़ी फिल्म, इनकी गुंटूर कारम, और ये थी महेश बाबू की फिल्म। इनकी उससे समझा जा सकता है कि ये कितनी बड़ी फिल्म थी। लेकिन जैसे कि उसके बाद यहाँ पर जानने को मिला कि यहाँ डेट इशू होने के कारण पूजा इस फिल्म से बाहर हो रही है। लेकिन इस बीच देखा जाए तो यहाँ पूजा जो कि यहाँ साउथ के साथ ही बॉलीवुड में भी इन दिनों काफ़ी लो फिल्में देती हुई दिख रही है। और यहाँ इसकी एक वजह ये भी हो सकती है, हालांकि इस बीच अब जानने को मिल रहा है कि इस फिल्म में पूजा हेगड़े को रिप्लेस किया है मीनाक्षी चौधरी ने, जो कि इससे पहले जबरदस्त साउथ फिल्में कर चुकी है। हालांकि इनमें कुछ ज़्यादा बड़े स्टार वाली और बड़े नाम वाली फिल्म नहीं थी। और जैसे कि कहा जाए तो इसी के साथ मीनाक्षी चौधरी को काफ़ी बड़ा मौका मिला है, क्योंकि यह महेश बाबू की फिल्म जो कि इंडिया के सबसे पॉपुलर और टॉप स्टारों में शामिल होते हैं। तो इसमें एक तरफ गुंटूर कारम जो कि काफ़ी बड़ी फिल्म है, और इस फिल्म से फिलहाल तो पूजा हेगड़े जो कि बाहर होती हुई दिख रही है। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।